हम अपना व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। आज हम लोग ये सांप का घर है। ये कौन जाएगा फिर उधर शूट करने? देख जा तू बच के। मैं नहीं जाऊंगा। बाप रे, ओए मत जा रे भाई, इधर विशाल तो भाग गया। तो बहुत डर लग रहा है आज के स्टॉप तो पूरा मैं आगे जाऊंगा। क्या मस्त पेड़ है। ये देखिए क्या मस्त ये हाउस है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम लोग हैं सेंट्रल बस्ती में, और ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि मतलब मैं शुरू हो जाऊं यहीं पे। तो राजकिशोर ने बड़ा मेरे को अच्छा आइडिया दिया कि यू नो आपको जब भी मौका मिले चौका मार देना चाहिए। तो अभी हम लोग है सेंट्रल बस्ती में, और एक बार यहाँ पे हम लोग पिकनिक करने आए थे। तो अभी यहाँ पे तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ सेंट्रल बस्ती का, थोड़ा खूबसूरती कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए बने रहे मेरे साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है सेंट्रल बस्ती। अभी टाइम हो रहा है 4:30 होने वाला है, और मैं एकदम बेशरम की तरह अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि आने का एक रीजन भी था और मौसम भी अच्छा था। बहुत दिनों से हम लोग कभी ऐसे निकले नहीं थे, तो हम लोग बस आज चले आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा, मतलब ये देखिए भाई क्या मस्त, साइड में वाइट वाइट पत्ते हैं, बीच में छोटा सा ड्रेन जैसा नदी है। काफी यहाँ पे शांत माहौल है एकदम गाँव का। मेरे को तो क्या बताओ, मेरे को नहीं पता आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन मेरे को गांव का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लगता है, और मैं शायद कुछ दिन में गांव भी शिफ्ट हो सकता हूँ। तो ये है नेचर का। अच्छा उधर पे एक छोटा सा वो है, मैं उधर पे जाके कवर करना चाहता हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। और कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बोला कोई मैं अनप्रिपेयर था, तो जैसा है एक्सेप्ट कर लेना। और ये अपना विशाल, कैसा है विशाल तू? पता है मैं अभी सोच रहा था हाँ कि व्लॉगर लोग जो होते हैं ना वो कभी अकेला हो ही नहीं सकता। ये बात भी सही है। सोच रहा है मतलब माइंड में स्ट्राइक ही नहीं करता कि मैं शूट करूँ बोल के। नहीं नहीं मतलब दूसरी बात, मतलब पहली बात ही है, मैं पहला बात ही बोल रहा हूँ। हाँ। सपोज तू, तेरा कोई दोस्त नहीं है ठीक है। हाँ। लेकिन तू अगर व्लॉग में डाल रहे ना, मतलब जो 2-3 जानी देख रहे हैं ना, वो लोग तेरे से जब शेयर करेगा हाँ हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, हाँ मैं, मेरे को भी ऐसा नेचर में आने का मन है, तो तू ना कनेक्ट लगेगा, तो लगेगा कि हाँ मेरे साथ होना चाहिए, मेरे साथ ये लोग है। बिल्कुल भाई भेजना यार। चल उधर चलते हैं। अरे मैं सुनता हूँ रे भाई, बस मैं गाता नहीं हूँ लेकिन मैं सुनता हूँ। होना चाहिए ना, तूने ना बोला था ग्रुप में अलग अलग इंसान होना चाहिए। राजकिशोर कंटेंट नहीं मिला तेरा, कुछ बोलना कैसा लग रहा है तेरे को? इधर देखना, आगे देखना। हमको तो लग रहा है कुछ भी, लेकिन ये क्या है? ये पीछे घुमा ना, पीछे अपना तरफ करना। क्या है? अपना तरफ करना। ये क्या है? ये इन लोग का बुद्धा का। ओ, इसके बारे में कुछ बता, ये भी अच्छा कंटेंट है ये। हाँ इसके बारे में कुछ बता। ये ओम माने पेमे हूँ, मतलब जैसे हिंदी में बोलता ना ओम शांति, वही है ओम शांति। हाँ ओम शांति, जैसे ओम नमः शिवाय होता है उसी तरह से ये एक मंत्र है। सब्सक्राइबर्स को ये भी देखना उधर पे क्या है, उधर सब गड्ढा है क्या? मैं कहता हूँ नदी है, वही वाला नदी है। ओ हाँ इधर पे बहुत बड़ा गड्ढा लग रहा है रे, इतना बड़ा नदी है यहाँ पे। नदी क्या भैया, हाथी तो नहीं है ना? थैंक यू भैया। यहाँ पे हाथी भी बहुत मिलते हैं, तो संभल क्या बोला? डीडी बोला। डीडी क्या होता है? अच्छा लेक है, छोटा सा लेक नहीं है, पहले नदी था, कितना बड़ा एरिया है। अच्छा ठीक है देख लेते हैं, थोड़ा साइड हटो।
हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। आज हम लोगों ने एक झील खोज के निकाला। वो हाँ ये झील है एक्चुअली में, झील है लेकिन उधर तक गया नहीं है ये। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। पानी में देख तो कुछ है, कुछ है तो मतलब पहले का 300-400 साल पुराना कुछ। टैडपोल है, टैडपोल पता है क्या होता है राजकी सर? नहीं पता है। टैडपोल, टैडपोल क्या होता है रे? मेंढक का बच्चा, बहुत सारा है। पहले मैं सोचता था टैडपोल और फिश एक ही होता है और मैं इसको पकड़ता था, बाद में पता चला ये तो मेंढक है। क्या बोल रहे हम लोग तेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे और यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। हम लोग नहीं बताएंगे। हाँ वो मिट्टी जैसा है। ये सांप का घर है। वो ये कौन जाएगा फिर उधर शूट करने? देख जा तू बच के। मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ा इधर आना, मेरे साथ इधर तक आना। अरे मैं भी नहीं जाऊंगा भाई, डर लग गया। लेकिन मैं अपना व्यूअर्स को बता देता हूँ, विशाल का कहना है कि ये जो है ना ये मिट्टी का ढेर ये एक्चुअली सांप का घर है। हाँ रहते होंगे क्या? हाँ हाँ तो हो सकता भाई, आप छोड़ना। आप अभी हम उसका बता दे क्या होता है वहाँ। ठीक है, एक्चुअली में वो है चींटी का। हाँ मुझे पता था वो चींटी का घर है। चींटी का घर है लेकिन सांप उसमें इसलिए रहता है क्योंकि चींटी का जो अंडा होता है वो सब खाने के लिए सांप आता है। अंडा, चींटी का अंडा तो छोटा छोटा होता होगा। अरे उन लोग का इकट्ठा जब रहता है ना, जब पूरा इकट्ठा वहाँ छोटा छोटा रहता है लेकिन छोटा छोटा मात्रा में तो बिखरा नहीं रहता ना, एक जगह रहता है ना सब, तो बिल में घुस के खाने के लिए। सही में ऐसे फेंक तो नहीं रहे? नहीं सच्ची है। ठीक है चलो, आप आता है तो जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए आता होगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर वहीं पे रहने भी लगता है। अच्छा तो हम लोग आज बड़ा नॉलेज वाला बात पता चला। मेरा भी चल रहा। इसके लिए राजकिशोर को बहुत सारा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बोल उन लोगों को बताने के लिए कि सही बोला या गलत बोला मैं। हाँ आप कमेंट करके बताइए कि ये सही बोला या गलत बोला। राष्ट्र टूर है पता है, क्योंकि जब अपना वो करता है ना तो नहीं होता, लेकिन ना तू अच्छा खासा देता है। क्योंकि हम लोग का ग्रुप में एक साइंस का बंदा का कमी है, राजकिशोर ने बोला। हम लोग ग्रुप में आर्ट्स का बंदा है राजकिशोर, और विशाल और मैं कॉमर्स फील्ड से हैं, एक साइंस का बंदा कमी हो गया और वो भी बायोलॉजी वाला। तो अगर अगर कोई है तो कमेंट करना जरूर। हाँ अगर किसी को हम लोग का दोस्त के लिए अप्लाई करना है और वो साइंस से होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनिए, साइंस होना चाहिए और बायोलॉजी का स्टूडेंट होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑफ रोड चल रहे हैं अभी, रास्ता ढूंढते ढूंढते। इसको पगडंडी बोलते हैं राज, क्या बोलते इसको? पगडंडी, पगडंडी। अरे पगडंडी तो उसको कहते हैं ना, वो प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा रहता है। ओ तो पगडंडी इसको कहते हैं, ये जो बीच में जो रास्ता है। पगड़ी पगड़ी, अरे बाप रे, वही मत जा रे भाई। विशाल तो भाग गया। ए जाना, ए ए लेते ये कवर करते हो राजकिशोर, मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा उधर। थोड़ा होल से दिखा था, तू तो बहादुर है भाई। और देख वो होल देख के भी लग रहा है कि सांप का घर होगा। तो विशाल के हिसाब से ये है सांप का घर। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये सांप का घर नहीं है, लेकिन हाँ सांप कभी कभी, क्योंकि ये बिल जैसा है, सांप का जैसा रहने का जगह जो है ये बहुत अच्छा है, इसलिए सांप भी यहाँ रहता है कभी कभी। लेकिन ये एक्चुअली में ये जो आप दीमक देख रहे हैं, आप लोग पहचानते हो इसको, दीमक, ये दीमक का घर है। ठीक है तो यही है। तो आप लोग अगर कुछ पता है इसके बारे में तो आप लोग बताइए, है ना। मिलते हैं अगले पड़ाव पे, सेंटर बस्ती के। कहाँ से? यहीं से जाना है ना, इधर से आ जा। अच्छा ठीक है, आगे चल ना, आगे वो उस रास्ते से, वो रास्ता पकड़ के वहां से फिर सीधा चल जाएगा। हाँ चल चल, मेरे को पानी भी प्यास लग रहा है। पता ये क्यों ऐसा आग लगाया इधर पे? हाँ साफ का नहीं रहता, कि एकदम मासेस में इसको
खत्म कर सके। अरे बाबा रे, कपड़ा का तो ब्रिज बन गया। उधर से हाथी पास होता होगा ना, गुफा जैसा है रे, जाएगा भैया? गाड़ी उड़ी भी जाता क्या अंदर? उधर क्या है भैया, थोड़ा जाके देख सकते हैं? रिक्स तो नहीं है ना? हाँ थोड़ा सा अंदर जाते हैं। राजकुमार सर बड़ा अच्छा चीज नोटिस कर देता है। मैं तो सांप को नोटिस किया। तेरा तो इसने मेरे को पता है राजू सर क्या क्या बोला का, अब घर जाकर सुनने में मजा आएगा। ये देखिए, आपने नदी में नहीं नहीं आपने नदी में ब्रिज देखा होगा, यहाँ पे कपड़ों का ब्रिज है, लेकिन पानी बहुत साफ है रे। ये बताना बहुत साफ है, पत्थर किसे यहाँ पे कपड़ा, ये कपड़ा धुल गया और क्या, इतना तो दिमाग है रे। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है तो। अरे बहुत सारे लोगों को पता है, मैं बताता ना पटना में कि मैं नदी में जाकर कपड़ा चल रहा था। क्या बोल रहा है तू? ओरे बाबा क्या बात है, ये देखो हाई जंप लॉन्ग जंप पास फेल फेल लेकिन पास ही रखा। तो हम लोग मेरे को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अच्छा रूल ही था उधर पे, तो हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब ये देखो ये गाय का है शायद, हाथी का होता तो दिखाई देता। ये पत्थर ये सीमाना है एक्चुअली में, पुराना कुछ था यहाँ पे, इधर पे सब कुछ। अरे बाबा भाई यहाँ का देखना रास्ता तो बहुत डेंजर है, लेकिन नहीं नहीं मत जा, ये तोड़ दिया नहीं लग रहा है, ज्यादा अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा सा अंदर। अरे आ जाएगा ना, इसको कंटेंट देना ना यहाँ पे। अच्छा से ये टूट गया रे, क्या है ये पता नहीं, कोई फाइल मेरे को रॉकेट रॉकेट ये मेरे को ना मतलब होता है क्या कहते हैं जेड, गोल मिर्च जैसा लगा रे, काली मिर्च जैसा, लेकिन ये ऐसे ही फल होता है, लेकिन पेड़ तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। बाप रे बहुत अंदर अंदर है, गुफा है यार, डर लगे मेरे को तो। कचरा वचरा इधर ही डंप किया है भाई, इधर तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा है आज की सब तो पूरा एकदम। ये मोड़ तो दिखा दे सब, हाँ इधर पे भी अंदर अंदर बहुत डेंजर है, एकदम डर लग गया मेरे को तो अभी। इधर से भी देख रहा, इधर से भी। अरे ये पेड़ बहुत सुंदर है, एकदम बीच में। रात को आएगा ना तो यही पेड़ बहुत डरावना लगेगा। रात को आएगा तो यही पेड़ डरावना। अरे भाई मैं आगे जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं, पांव का सांप है ये? हाथी का है। सही में? हाँ इतना ये बड़ा हाथी का है ये। यहाँ पे इसलिए आया कि ये थोड़ा गीला था सही होगा ना, इसलिए यहाँ पे आ गया था। देख यहाँ पे ये देखिए वाला, ये वाला तो आगे क्यों जा रहे थे, थोड़ा पीछे रहना, डर लगता है मेरे को। तो अभी आपने जो देखा वो सेंट्रल बस्ती का अंदर का बात था, और ये अंदर ही रहना चाहिए, पता नहीं होगा कुछ यूज होगा, आपने को उतना नॉलेज नहीं है। तो अभी हम लोग घूम ही रहे हैं सेंट्रल बस्ती, अभी देखते हैं कहाँ पे ये खत्म होता है, बने रहिए बस। और राजकिशोर द कंटेंट सेवर, पता नहीं भैया को पूछ रहे हैं, अब भैया को थोड़ी इतना कुछ क्या मस्त पेड़ है भाई, वाह। राजकिशोर तू कुछ बोला था ना, तेरे को इधर घर खरीदना है, एक बार बता दे, क्या पता किसी को बिकाओ में होगा तो तेरे को कमेंट में बता देगा। ये बात है कि यहाँ पे मेरे को ये जो जगह है ना, यहाँ का जो घर का माहौल या परिवेश बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो फ्यूचर में मैं उम्मीद करता हूँ अपने आप से कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा घर या फिर जमीन लेके घर बनाऊँ, मतलब यहाँ मेनली मेरा एक घर छोटा सा होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका मतलब है कि देखा जाएगा, इसका मतलब है कि अगर कोई बिक्री में होगा तो वो तेरे को कन्वर्ट कर सकता है सिर्फ। हाँ बस याद है ये रोड में तुम्हें छोड़ के चला गया था, याद है वो वाला ब्लॉक यहाँ स्कूटी में ना, और तू उसमें कुछ बोला था ना, तो मेरा ओ मोमेंट वाला मैंने कुछ बोला था। हाँ तूने बोला था कि गांधी जी का दो बंदर, और तूने कुछ बोला था क्या था, तीसरा बंदर, तीसरा बंदर कैमरा बैक कर तुम्हारा। घर वो वाला घर देखो और क्या मस्त है यार।
ये क्या क्यूट सा है ना, छोटा सा, देखना सीढ़ी। मेरा घर होता तो मैं सीढ़ी नहीं बनाता, जम कर रहा था सीधा। ओ, गेट भी है यार। गेट भी है ना, गेट भी है सीढ़ी का ऊपर गेट भाई। अरे पता, छोटा छोटा चीजों में ज्यादा क्रिएटिव होता ना तो लोग उसको क्यूट समझते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग ने जब ये कवर किया था ये जगह, तो हम लोग बाइक में थे, स्कूटी में थे, और अभी हम लोग पैदल है। अभी शाम का टाइम है, 4:45 हो रहा है। सेंटर बस्ती का अंदर का डिटूर। हाँ, ये वाटर टैंक है। सही है, बस्ती का है मेरे ख्याल से ना। पूरा बस्ती का है। बस्ती का नहीं, पूरा बस्ती का नहीं। ओ, ये घर देना, क्या क्यूट है। वो सीढ़ी क्यों बनाया, जबकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं। वो फ्यूचर के लिए, वो हटा देगा फ्यूचर के लिए ना। हाँ, इधर वो देख, ट्री हाउस पे चलेगा उसमें। चलो उसमें चलते हैं। क्या वो दे, वो ट्री हाउस, वो रहा। ओ, चलेगा। हाँ चल, पूछ ले। अरे जाते हैं, मैंने देखा है। पूछ ले पहले। ठीक है, पूछ लेंगे किसी को। चलो, तो वो ट्री हाउस में जाने का अपना प्लानिंग है, देखते हैं। सीधा वो यहाँ से आए और ये दुकान में, ये दुकान में बता रहा हूँ मतलब क्या खाना मिलता है। ऐसे मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चे में दिल से बता रहा हूँ। रेट भी सही है, खाना भी अच्छा है। तो यहाँ से आइए और यहाँ आ जाइए, साइड में लॉटरी दुकान है छोटा सा। तो सेंटर बस्ती का मैं आपको एक बता देता हूँ, जहाँ पे जो मेन पार्क है ये साइड में, उधर पे कुछ खाने का स्टॉल से आप बिल्कुल वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हम लोग जैसा बजट फ्रेंडली है तो सीधा यहाँ से आइए। ये एक बैठने वाला है, यहाँ से ये शार्प टर्निंग, ये हाई टेंशन। हम जो बोलेगा वही मत बोला कर, देख लिया। अरे तो यहाँ से सीधा जाएंगे तो वो फर्स्ट वाला दुकान में मतलब एकदम बजट फ्रेंडली, क्या बताऊँ, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। और ये वही रास्ता है जहाँ से हम लोग निकले थे अंधाधुन वाला ट्रिप में। और ये रहा धूप, छुप रहा है। चलो, तो अभी मैं आप लोग को यहाँ का एक बहुत खूबसूरत जगह दिखाने जा रहा हूँ। हमको अभी भी डाउट लग रहा है कि हम लोग उससे जा सकते हैं कि नहीं। नहीं जा सकते, लेकिन भाई सीढ़ी बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगा, तू चढ़ गया था तो शूट कर लेना, ठीक है। अरे बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो डर भी लग रहा है यार उससे जाने में। बहुत अच्छा है, लेकिन सीढ़ी बहुत ज़्यादा गैप हो गया। तो मैं दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। बहुत अच्छा है, लेकिन सीढ़ी शायद एक दो सीढ़ी मिसिंग है। चलो दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या मस्त ट्री हाउस है। अरे नहीं चढ़ सकता है, अरे मैं पूछा तो। बहुत अच्छा ट्री हाउस है यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई। ऊंचाई देखो, मैं पूरा टिल्ट हो गया हूँ, लेकिन यहाँ पे चढ़ेगा कौन, कौन चढ़ेगा बता। मैं तो नहीं चढ़ने वाला हूँ। ये देख रहा है, ये बीच में इतना लंबा गैप है, मेरे से नहीं होगा। हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो गैप नहीं होगा, वो गैप नहीं होगा। तू चढ़ ले, मैं तेरे को कैमरा दे दूंगा। तू कर सकता है, एक बार पता है क्या उसका ना, फिटनेस अच्छा तो चढ़ जाएगा। हाँ ठीक है ना, बात ये है। मैं नहीं करने वाला। फिट इंडिया मूवमेंट। नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अब मेरा हाइट छोटा है ना, तू लोग क्या समझ रहा है। देखो यहाँ से ओरे। मैं नहीं चढ़ने वाला। ये देख रहे हो भाई, ये तो मजबूत है। चढ़ता कौन है रे? चढ़ता है, मैंने देखा है। अरे चढ़ता है रे, मैंने देखा है। तो एक बार चढ़ना, जैसे देखा है वैसे ही। नहीं चढ़ने वाला। हम लोग चढ़ लेते, लेकिन हम लोग देख नहीं किसी का। अरे तू देख, तो ये जो ख्वाब था ये ख्वाब अधूरा रह गया। वो जो भाई आ गया, वो भाई तो पूछ कैसे चढ़ता है। भाई चला गया, पहले मैं बचा था ना, तो ये सब कूद कूद के बहुत खेलता था, लकड़ी उकड़ी कटा हुआ था। हाँ, तो लग रहा है कि आज का ब्लॉग यहीं तक हो जाएगा। क्या लग रहा है राजकिशोर, और कुछ होगा क्या? और कुछ तो खास अब नहीं है। और नहीं है ना, फिर जाना। ये एक ट्री हाउस था, खास वही है कि देखो भाई, देख अकेला उतना दूर चला गया दौड़ के, और पानी लेके आ रहा है वो भी इतना छोटा सा, इसमें देख खास वही है। पर क्यों मतलब, और वो भाई बताएगा कि इतना मेहनत वो क्यों किया। उसको पनिशमेंट मिला है टीचर से। ओ उसको पनिशमेंट मिला है टीचर से। ओ
पानी गिरा दे वापस जा रहा है टीचर से, उसको पनिशमेंट मिला। देखिए वो भाई देखिए, अरे जूम भी नहीं होता टीचर से, उसको पनिशमेंट मिला। अच्छा वो टीचर है उधर पे, वो भाई देखना उधर से पानी भर के आ रहा है, ठीक है मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। वो लेके आया पानी, लेके आया 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 पानी, लेके आया पानी, लेके आया है, खत्म हो गया तो पानी, अरे खत्म हो गया देखो। पानी लेके गया, कुछ खेल रहा है, टीचर के पास नहीं जा रहा है, टीचर के पास नहीं जा रहा है, खेल रहा है वो। अच्छा ओ उसका डॉगी है ना सर उधर पे। चलो चलो तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज का ब्लॉग यहीं पे होता है खत्म।